आप दोनों की लव मैरिज है? लव तो किसी और से किया था भाई ने, लेकिन वो इनकी हम उम्र थी। अच्छा। लेकिन वो नहीं, वो 12 साल के साथ इनके साथ काम करी, उसका एक बेटा भी था। अच्छा। वो बेवा थी ना, लेकिन है ना इन्होंने, उसने इनको इनकार कर दिया और ये इनके साथ साथ है कि हम दोनों मिलके काम करेंगे। फिर नहीं, उन्होंने मना कर दिया, तो फिर दो चार जगह और जगह इन्होंने रिश्ता डाला, उन्होंने भी मना कर दिया। उस वक्त किसी की दाढ़ी नहीं होती थी, इस्लाम नहीं होता था किधर भी, दाढ़ी देख के लोग मना कर दिया करते थे। तो आपने, आपके पास रिश्ता आया या इन्होंने खुद अप्रोच? रिश्ता आया। अच्छा। तो मैंने ना इनको हाँ, मेरी माँ को हाँ बोल दिया। रिश्ता लेके कौन आया था इनका? मेरी खाला के साथ भेजा। अच्छा, तो आपने देख के पसंद किया होगा ना जब भी आपने भेजा? मुझे यहाँ काम करती थी, जो झूलों में बच्चे आते थे उसका बहुत ध्यान रखती थी, बहुत पसंद करती थी, बहुत चाहती थी। फिर मैंने इनको, इसकी माँ को कहलवाया कि बिल्किस को मुझे दे दो। बोले उससे पूछो, आता करना चाहती है तो आप कर लो शादी। तो आपने किस किस को पैगाम भिजवाया था? 6-7 को। सबने मना कर दिया। शादी के बाद तो किसी को पैगाम नहीं भिजवाया? वो तो पैगाम ही पैगाम होते हैं। तो बेकार हो गया। बेकार पैगाम होते हैं। अच्छा, एक दफा ये बात भी उठी थी कि जी इसी साथ ने जो है वो 2 शादियाँ की नहीं है। की थी ना दूसरी, 16 साल तक यहाँ रही। अच्छा, आपकी शादी के बाद? मेरी शादी के बाद 16 साल यहाँ रही, 80 में आई थी वो। अच्छा। और मेरी शादी अयूब खान के जमाने में हुई थी। ये कौन? वो पूछने कौन? भूल गए? भूल गया। अच्छा हुआ भूल गए। चलो अच्छा हुआ, झगड़ा तो खत्म। तो फिर वो कहाँ चली गई? उसने ना तो फिर चीटिंग की, खूब चीटिंग की यहाँ से, खूब चोरियाँ की, और फिर हमारे ड्राइवर था, फिर वो इंचार्ज बना था, फिर उसके साथ शादी कर ली। अच्छा, तो जब आपको आपको बता के शादी की थी ना उन्होंने? मुझे पता था, मेरे घर में सबको पता था, मेरे स्टाफ को सबको पता था, पूरी गली को पता था, लेकिन कोई इंसान का बच्चा आवाज नहीं उठा सकता था इसके सामने। अच्छा। शेर की निगाह रखता था, शेर ये शेरदिल खान, अभी मुर्गा खान बन गया। तो शेरनी क्या कर रही थी उस वक्त? मैं थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, मेरे बच्चे थे ना। अच्छा। तो मेरे भाई ने कहा नहीं ये ना, तो तू कहीं इसको छोड़ के जाएगी, तेरे बच्चे तेरे साथ हैं, तू अपने काम से मतलब रख, और आज का माहौल यही है। तो आपने तो कुछ ऐसा नहीं कहा कि भगा दिया? मैं डरती थी उससे। अच्छा। हाँ, वो तो शेर नहीं थी। मुझे कहते थे किसी से बदला लेना हो तो दूसरी शादी करा दो, फिर मैंने कहा और किसी से बदला लेना हो तो पुरानी गाड़ी दिला दो। मैं सुनती रहती थी, मैं उसका मतलब नहीं समझती थी। फिर थोड़े दिन के बाद बोलते हैं बीवी तो ऐसी हो हाथी जैसी, मोटी कुर्सी पे बैठे तो रोक पड़े, तो वो बाजू में बैठी हुई थी। तो आपको कब पता चला? मुझे पता चल गया था, बीवी की आंखों में ना 3-4 आईने होते हैं। बड़े बड़े शौकीन रहे हैं दी साहब आप, माशाल्लाह। आशिक मिजाज बहुत ज्यादा। मैं हमेशा ऐसा ही रहा हूँ तब तो ये काम कर सका हूँ। इतना काम किया, ये रूप तो आपका हम पहली मरतबा देख रहे हैं। आशिक मिजाज ना हूँ तो मैं काम ही ना कर सकूँ। मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है। हाँ, मुझे आज मेरा लड़कपन से। तो इनसे पहले जो आपने 5-6 रिश्ते भिजवाए थे उन्होंने मना कर दिया? अच्छा, और उनसे पहले भी? मेरे पास कुछ भी नहीं था उस वक्त, एक छोटी डिस्पेंसरी थी, एक टूटी हुई गाड़ी थी, और मुझे अल्लाह पे भरोसा था, बनी तो बनी वरना अब्दुल बनी। जब बहुत मुश्किल वक्त था और शुरुआत हुई थी तो उस्मान गनी साहब ने आपको जगह दी थी अपना काम शुरू करने? उस्मान गनी एजी साहब है ना, वो बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने इनको पूरी आधी कैपिटल दी और इनको अपने पैसे दिए, कैपिटल दी अपनी, और इनको नीचे जगह दिलाई और बोला सत्तार इधर बैठ। और ये बर्तन मांजने भी जाते थे शादियों में। अच्छा। तो वहाँ से भी ये लोग कलेक्ट करके आते थे पैसे, और इन्होंने जदोजहद की है ना, तो अल्लाह पाक को कुछ इनकी अदा पसंद आई थी, वरना जवान थे 20 साल के थे, तो मतलब शादियों में बर्तन धोने जाते थे और है ना अखबार भी बेचने जाते थे, पता नहीं क्या क्या, दूध बेचने भी जाते थे, क्या क्या काम करते थे। दिमाग की खवातीन तो नहीं होती थी इनके चक्कर में? नहीं नहीं, तभी छोटे थे। नहीं खवातीन नहीं। फिर है ना जब नर्सिंग शुरू की ना हमने, तो हमारे पास बहुत सारी लड़कियां औरतें आई, काम सीखा, आती गई जाती गई।